डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। 18 फरवरी को इकलौते बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर रिटायर्ड फौजी उदयवीर चिकारा इंसाफ की गुहार लगाने SSP ऑफिस पहुंचे। उदयवीर का कहना है कि बहू बेटे घर में अकेले थे, जिस पर शाम को 7 बजे उन्हें बेटे की मौत की खबर मिलती है। जब वो घर पहुंचे तो फंदे पर लटके बेटे के शव को देखा। रिटायर्ड फौजी का आरोप है उनके बेटे और बहू में नास्तफाकी रहती थी, बहू उसे धोखा दे रही थी, बहू द्वारा ही बेटे की हत्या की गई है जिसकी जांच की जानी चाहिए। इस पर SSP ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सुनिए पीड़ित उदयवीर से मिली जानकारी। उदयवीर चिकारा हाँ, रिटायर हो गए। क्या हुआ आपको बेटे के साथ? हम शादी में गए थे 17 फरवरी की रात को सहारनपुर, और वहाँ से 18 में सुबह ही आ गए। मैं बेटियों के साथ नोएडा चला गया, बहू बेटा यहाँ रह गए। हमें 7:30 बजे करीब खबर मिली कि इसने फांसी खा ली, बहू के मायके से खबर मिली हमें। ठीक है, वो पता नहीं हैंगिंग कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अलग है। और हाँ जी, मैं तो मना ही कर रहा था पोस्टमार्टम का, भाई जब आत्महत्या कर ली तो चलो छोड़ो, शायद कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन अब खुला बहुत बड़ी गलती होती पोस्टमार्टम ना करा गया और बहुत बड़ा अन्याय हो गया। किस पे आरोप है आपका, किस पे? वाइफ के, वाइफ पे है। वो व्हाट्सएप GB ग्रुप चलाती है, GB ग्रुप जानकारी है? हाँ हाँ जानकारी। GB ग्रुप चलाती है। इससे पहले लड़के ने तीन उसके व्हाट्सएप पकड़ लिए थे जिन पर लोग लगा हुआ था, एक खोल लिया लड़के ने, तो उसमें वो लिख रही है लड़के के लिए, उल्टी सीधी बात लिख रही है, मुझे लड़के ने बताया। लड़के ने सोचा मैं पता नहीं क्या करूँगा इसके लिए, मैंने लड़के को कैसे समझाया मैं जानता हूँ। तो फिर बहू पे और उसके भाई, फिर लड़के ने मुझे मोबाइल वापस दे दिए, पापा जी गलती होगी ये वो, माँ चलो। 5-7 लड़कों से जो उसमें देखा, जो पकड़े, जो बातचीत हुई 1-2 बार को, तो उन्होंने उसके रिश्तेदारों से कह दिया तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे घर नहीं आएगा। आपने अधिकारियों से शिकायत करी इसकी पूरी? अब हाँ, अब तो डेथ होगी, उस दिन शिकायत की। रीओपनिंग कराना चाहते हैं आप? किस रिक्रिएट कप्तान साहब से अभी मिला मैं, उन्होंने कहा अभी रिक्रिएट कराएंगे इसको। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।